नवी मुंबई के नेरुल में बजरंग मानस मंडल द्वारा नौचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मां दुर्गा के सानिध्य में आयोजित इस महायज्ञ में दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आचार्य रामकुंडल महाराज ने बताया कि मानसिक त्रास को दूर करने और आनंद एवं आध्यात्मिक चेतना को जगाने के उद्देश्य से इस नौकुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। देखिए रिपोर्ट। नेरुल में नौकुंडी महायज्ञ की धूम मची है। गांव देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित इस महायज्ञ में हर दिन सैकड़ों भक्त शामिल हो रहे हैं। आचार्य रामकुंडल महाराज ने महायज्ञ के उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि आज की आपाधापी से पैदा हुए मानसिक त्रास के बीच आनंद और शांति के लिए यज्ञ एक बेहतर विकल्प है। इससे जहां आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है, वहीं आचरण और विचारों की भी शुद्धि होती है, जो प्रगति का माध्यम बनता है। उन्होंने प्रांगण में स्थापित माँ दुर्गा के दर्शन और यज्ञ का लाभ उठाने का भी आह्वान किया। आप देख रहे हो कोविड का इसमें 2 सालों से लोग बहुत परेशान हैं, और जब जब हमारे हिंदुस्तान में या विश्व में कोई आपत्ति आई है, आपदा आई है, उसके शांति के लिए ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आदि का आयोजन किया है, और उस राक्षस रूपी दैत्य रूपी जो कोविड है उसको शांत करने के लिए, प्रशमनन करने के लिए, ह्रास करने के लिए, ठीक करने के लिए एक बड़ी बड़ी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको खोज करके तरीका बताया है। तो मेन लक्ष्य इस समय जो यज्ञ हो रहा है, ये तो उसी के लिए हो रहा है। यहाँ के आयोजक लोगों ने इसी उद्देश्य से बड़ा ये यज्ञ का आयोजन किया है। वेदों में ऐसा लिखित है, उल्लेखित है कि जब देवताओं के ऊपर आपत्ति आई तो देवता लोगों ने माँ भगवती की आराधना किया, और उस आराधना से मैया दुर्गा प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद उनके संकटों से उनको छुटकारा दिलाया और उनको धन धान्य और उनका राजपाट दिलाया। इसी तरह ये हम लोग उद्देश्य के इस यज्ञ का आयोजन किए हैं माँ विश्वेश्वरी सेवा समिति ट्रस्ट के तत्वाधान में नेरुल के भक्तों के द्वारा, कि ये जो महान आपत्ति इस विश्व में आई है, वैश्विक आपत्ति, इससे छुटकारा मिले, ये शांत हो, माँ भगवती की कृपा मिले। जिस तरह देवताओं का राजपाट व्यापार, इसी तरह हम लोगों का व्यापार और जीवन सुखमय, समृद्धिमय, सरलमय हो, आरोग्यमय हो, हम सुरक्षित रहें, इसी उद्देश्य से इस यज्ञ का विशेष आयोजन किया गया है। बजरंग मानस मंडल जो हमारा समिति है वो सब कार्यक्रमों को आयोजित करता है। हमारे गुरुजी ने घर घर में श्री विश्वेश्वरी समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूज्य गुरुदेव रामकुंडल शुक्ला जी, इन्होंने कई जगह ये यज्ञ करवाए हैं। बस कुछ धर्म होना चाहिए, कुछ कर्म होना चाहिए, एक मेरे देश का विकास होना चाहिए, और विकास हर माध्यम से होना चाहिए, चाहे वो देश का शिक्षा हो, व्यापार हो, संगठन हो, चाहे फिर धर्म हो। जिस तरह लगे हुए हैं धर्म में, लगे हैं देश के संत, उस तरह एक हम लोगों सेवकों का अनुरोध है और एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। वही एक निमित्त मात्र हम लोगों ने आयोजन किया है। उसी तरह सबसे हम अनुरोध करते हैं कि इसका लाभ उठाइए, और जहाँ भी हम धर्म में सहयोग कर सकें, तन मन धन तीन चीजें होती हैं, वहां अपना सहयोग करें। बता दें कि नेरुल के गांव देवी मंदिर प्रांगण में इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ है। इसके सहयोगी एडवोकेट इंद्रमणि तिवारी और समाजसेवी जटाशंकर पांडे एवं पंडित पंकज ने नवचंडी महायज्ञ को धर्म चेतना के जागरण का जरिया बताया और श्रद्धालुओं से 10 फरवरी को होने वाली महाआरती और महाभंडारे में शामिल होने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।